अभी ओयो डे आ रहा है, क्या प्लान है? वैलेंटाइन डे आ रहा है। आ कहाँ रहा है वर्ड? हमने तो सुना नहीं, पहली बार सुना है आपने मुझसे? वही सेम डे फॉर अस, तो ऑफिस में देना लेना। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। क्या प्लान है भाई? हमारा कोई प्लान नहीं है, सिंगल है एकदम। ओयो डे नहीं आ रहा अभी? ओयोडे तो आ रहा है। आ रहा है ना, क्या प्लान है फिर? वो तो जो रिलेशन में उनके लिए प्लान है ना, हम तो सिंगल हैं यार। हाँ, एक वैलेंटाइन डे पे सब ओयो रूम्स जाते हैं कपल्स। तो क्या वैलेंटाइन डे का नाम चेंज करके ओयोडे नहीं कर देना चाहिए? एग्जैक्टली, सब ओयो रूम जाते तो यही नाम होना चाहिए, है ना? हाँ, जैसे योगी जी सबके नाम बदल देते हैं, ऐसे वैलेंटाइन डे का नाम भी ओयो डे होना चाहिए। अरे यार, आप योगी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? बिल्कुल पसंद नहीं हो मेरे को। ओह माय गॉड, आई हेट बीजेपी। ओह माय गॉड, कुछ पता भी नहीं है आप बोल क्या रहे हो। ऐसे है कि लोग जाने लगे हैं ओयो वैलेंटाइन डे पे? They are going on weekend basis. It's not about the Valentine day, so they will be going OYO daily basis पे. Daily weekend. OYO life का ही ले लिया साला, lifetime achievement. OYO हर दिन ही Valentine day बनता है वहाँ पे तो. हाँ, ये ठीक है, ये एकदम okay का भाई, अब कर देना चाहिए. क्योंकि हर कोई Valentine day पे OYO ही जाता है ना? हाँ, बहुत से बंदे जाते हैं, जिनकी बंदी होती है तो वो जरूर जाता है. तुमने कभी नहीं कही ना, मुझे लग रहा है. क्या दर्द क्यों इसके चेहरे पे इतना? ओयो भागी? तो ऐसा है क्या कि ओयो ने एक स्पेस दिया कपल्स को कि जाओ उड़ो, जो करना है करो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो. सम ऑफ द फिजिकल थिंग्स दे हैव टू डू इन प्राइवेसी, तो स्पेस तो है ओयो में. ऐसा रूम के अंदर कुछ भी करो, कहीं पे भी उड़ो. बढ़िया दिया भाई, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें, रंडुआ बैठे हैं अभी तो. ओयो ना होता तो क्या होता? कपल्स के जो भी सपने वो पूरे नहीं हो पाते, कुछ और होता. शादी होती, बर्बादी होती, और एक्स वाई जेड होता, यू नो अबाउट दैट. ओयो ना होता तो फिर होटल्स होते, रामकृष्ण आश्रम वाले. या फिर होटल डिसेंट होता, जब भी बैठ वाला. या डिसेंट होता, जब भी बैठ वाला. गार्डन में जाते हैं, गार्डन में जाते कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ता फिर. हाँ, दोस्तों के साथ मिलके ना, माने सही कही, गार्डन में जाना पड़ता फिर. पार्क वार्क देख के कोई सही सो कर लो काम, मजा ही आ जा पार्क में फिर तो. अरे दिक्कत थी क्या? कोई और होता. हाँ, कैफेज एंड ऑल, बट कैफेज में वो सब थोड़ी होता. जो ओयो में होता वो कैफेज में नहीं होता. हाँ, आई नो, वो नहीं होता. कभी ओयो गए हो? दिस इज समथिंग पर्सनल, आई डोंट वांट टू शेयर. मैं गया हूँ. क्या किया वहाँ पे? अब ओयो किस लिए जाते हैं? गुफ्तगु करने के लिए गए थे ओयो. ओह माय गॉड, गुफ्तगु करने के लिए. तो आप गए हो कभी ओयो? कभी गुफ्तगु नहीं की तुमने? नहीं, ओयो में एंट्री नहीं थी, मैं कहीं और लेके गया था. जाना चाहते हो ओयो के भाई? बिल्कुल जाना चाह रहे हैं. कोई पटस सही? ओयो ना साउंड प्रूफ होते हैं, अगर वो साउंड प्रूफ ना हो तो वहाँ से कैसी आवाजें आएंगी? बहुत भाई आवाजें आएंगी. जैसे आउच वगैरह वगैरह, स्पेशली गर्ल्स की आवाज आती है ना बहुत. अब जैसी आवाज आनी चाहिए वैसी आवाज आएंगी. जैसे अब अगर लड़के में जोश हो तभी आवाज आएंगी. यू नो, ये बात ठीक है. भजन कीर्तन बजेंगे अंदर. अच्छा. भैया सही आवाज निकाल रहे हैं, ऐसी डिपेंड करता कि तुम कैसी आवाज निकलवाते हो. मॉर्निंग ब्रो. ये तुम्हारी थोड़ी आती, ये तो लड़की आती. लेकिन मान लो इन फ्यूचर तुम ओयो जाओ और तुम्हारी मम्मी या पापा को पता चले कि हमारी होनहार लड़की ओयो होके आई है, फिर तो मेरी बैंड बजने वाली है, घर से निकाल देंगे मेरे को. और बाकी तो पता ही नहीं है, मेरे घर वालों को शायद पता ही नहीं होगा कि ओयो है क्या एक्चुअल में. तुम बताओगी थोड़ी ओयो की आई हो. हाँ, वैसे मैं पहले तो मैं बताऊंगी नहीं. बताऊंगी ना, ना पता लगन दे. अगर तो दारू पीने को जाएगा और लड़कियों के साथ जाते हैं, पता चलेगा तो मार के बाहर निकाल देंगे. जाओ बाहर ही ओयो में रहो, लड़की के साथ रहो, उसी के साथ रहो. लड़की के साथ जाता ही नहीं है भाई, दारू पीने जाता है. मेरे डैड ओयो बहुत यूज करते हैं, बट वो ट्रैवल करते हैं. वो ट्रैवल करते हैं. झाड़ू झाड़ू थपकी चाटे लात मुक्के गाली में मिले हराम जाते ओयो के अंदर जाके डीपली चले गए, लेकिन ओयो पे डीपली नहीं गया मैं. ओयो की फुल फॉर्म तो नहीं पता, आप ही बता दो. ऑन योर ऑन रूम्स, ऑन योर ऑन रूम्स. आपको ओयो पता है क्या होता है? हाँ, मैंने
सुना है और देखा भी है। अगर आपको पता चले कि ओयो जो है आजकल की यंग जनरेशन एक प्राइवेट स्पेस के लिए यूज कर रही है प्रॉपरली, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव, आई मीन आई हैव नथिंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अच्छा, तो ये मेरे को पूछना था क्या ये ठीक है, क्योंकि ओयो ने एक स्पेस दे दिया है कपल्स को। ऑल राइट फॉर देम, इफ इट इज ऑल राइट फॉर देम, आई हैव नथिंग टू से।